नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते ही खास खबर की ओर। केंद्र सरकार की विफलताओं के बारे में जानकारी देने के लिए कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी जेएलएन मार्ग पर राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर गांधी सर्किल तक लगाई गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा अब तक के अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की विफलता के पोस्टर लगाए गए। प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदर्शनी स्थल तक पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत योजनाओं के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आर्थिक मंदी का हालत है। 1 फरवरी को बजट पेश हो गया, लेकिन कांग्रेस युवाओं के साथ है और 28 जनवरी को जयपुर में एक बड़ी सभा आयोजित हो रही है, जिसमें राहुल गांधी आ रहे हैं, जिसमें युवाओं और राहुल गांधी संबोधित करेंगे कि और युवाओं को एक साहस भी दिलाएंगे कि हम उनके साथ हैं इस मंदी के दौर में। सर, नोटबंदी और आर्थिक मंदी को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई, उसका अवलोकन आपने किया है? आज जो हालात हैं, इसके कारण वो है कि पिछले कई सालों से लगातार नजरअंदाज किया गया है पहलुओं को, नोटबंदी को ग्रामीण क्षेत्र में लगातार आमदनी कम हो रही है। आज जो हालात पैदा हुए हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर हो गई है, जीडीपी लगातार गिर रही है, लोग घर नहीं रहे, कारखाने बंद हो रहे हैं, निवेश नहीं कर पा रहे हैं, और जो बिजनेस का माहौल होता है तो निवेश करने के लिए इच्छा भी नहीं होती। तो पूरे जो हालात, ऐसी खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।